ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और अब बात करते हैं राज्यपाल कलराज मिश्र के अजमेर दौरे की। तो राज्यपाल ने एमडीएस यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय संगोष्ठी में हिस्सा लिया, जिसका विषय सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महर्षि दयानंद सरस्वती रहा। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में जल्द ही भर्तियां की जाएंगी और इसी को लेकर 4 नवंबर को कुलपतियों की महत्वपूर्ण बैठक होगी। राज्यपाल ने कहा कि लोगों में नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, जिसे खत्म करने की जरूरत है। लोगों को जागरूक करते हुए ज्ञान प्राप्ति की दिशा में उन्मुख किया जाए, किस ढंग से सामूहिकता के स्वरूप को विकसित करते हुए, कि जब तक सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर नहीं चलोगे तब तक आतताई तुम्हारे ऊपर शासन करते रहेंगे। ये सारी चीजें स्वामी जी की चुनौती थी। उनको लगा कि जब तक इसको नहीं समाप्त किया जाएगा तब तक काम नहीं चलेगा। वह राज्यपाल ने अजमेर दरगाह में भी अपने परिवार के साथ जियारत की और देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। जियारत के बाद खादिमों के अंजुमन की ओर से पायेती गेट पर राज्यपाल का सम्मान किया गया। राज्यपाल ने कहा कि अजमेर दरगाह में उनकी बेहद आस्था है। समृद्धशाली हो, ठीक से चल पाए और हम सब लोग मिलकर देश को आगे बढ़ाने में, मुल्क को आगे बढ़ाने में हम सहयोगी बने, यही मैं प्रार्थना करने के लिए यहाँ आया हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है और आज भी जो प्रार्थना किया है आशीर्वाद प्राप्त होगा।